फर्स्ट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो इनका जो मेन सोर्स मतलब ये कैसे जनरेट होती है, तो वो सोर्स है ऑसिलेटिंग चार्जेस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ऑसिलेटिंग चार्जेस। ठीक है, इनका मेन सोर्स यही है। और जब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात कर रहे हैं तो उसमें सारी रेज की हम बात करते हैं, सारी वेव्स की बात करते हैं, जैसे रेडियो वेव्स है, माइक्रोवेव्स है, अल्ट्रा वायलेट है, विजिबल यानी जो व्हाइट लाइट की अगर हम बात करें, एक्स रेज, गामा रेज, है ना, ये सब उसके बारे में बात करते हैं हम लोग। इसमें एक कॉन्सेप्ट है, पहले करेंगे हम लोग डिस्प्लेसमेंट करंट। होता है कंडक्शन करंट। तो कंडक्शन करंट में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन की वजह से यानी चार्ज पार्टिकल्स की वजह से उस करंट की हम बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट करंट की जब हम लोग बात करेंगे तो वहां चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं होंगे, लेकिन फिर भी ये इस करंट की हम बात करते हैं, यानी ये करंट किसकी वजह से होगा फिर, तो उसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे हम लोग इसको, फिर इसकी वैल्यू क्या होगी उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। तो मान लो जैसे कि ये रेजिस्टेंस है और ये कैपेसिटर है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और यहाँ इसको बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, इसका वोल्टेज भी है और ये आ रही है, इसकी कैपेसिटेंस सी है। तो ये देखा गया कि जब इन प्लेट्स के बीच में किसी मैग्नेटिक नीडल को रखते हैं तो इसमें क्या मिलता है, दरअसल डिफ्लेक्शन मिलता है। तब तक डिफ्लेक्शन मिलता है जब तक कि ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा होता है। और जब ये फुली चार्ज हो जाता है तो डिफ्लेक्शन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, इसमें मतलब कोई डिफ्लेक्शन नजर ही नहीं आता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, एक तो ये बात समझेंगे हम लोग यहाँ। ठीक है, और एक डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में बात करेंगे। तो अगर मान लो जब ये चार्ज हो रहा है तो कोई पॉइंट अगर मैं यहाँ लेता हूँ, मान लो इस जगह पर, तो आपको भी पता है कि अगर इसमें चार्ज जा रहा है तो सिंपल सी बात है, चार्ज फ्लो कर रहा है तो करंट होता है, करंट होता है। तो अगर हम लोग यहाँ एम्पियर सर्किट लॉ लगाए हैं और ये लूप अगर मैं बनाता हूँ यहाँ, ठीक है, तो अगर ये लूप बनाते हैं हम लोग, तो आप देखोगे कि इससे करंट क्रॉस करके जा रहा, तो इस पॉइंट पर अपने को क्या मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा क्योंकि यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो यानी ये सरफेस अगर मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, यानी सरफेस को क्रॉस करके करंट जा रहा है,
तो हमें इस ये जो हमने पॉइंट डिसाइड किया है, यहाँ क्या मिल रहा है अपने को, मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा क्योंकि करंट है, एम्पीयर सर्किट लॉ लगाएंगे तो यहाँ करंट मिलेगा, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। लेकिन अगर मान लो लूप में ऐसा बनाता हूं अगर लूप मान लो हम लोग ऐसा बनाएं, ऐसा अगर मान लो हम सरफेस डिजाइन करें, ये लूप यहाँ बनाया, फिर मैंने ये पूरा सरफेस ऐसे डिजाइन किया क्योंकि पहले जो सरफेस था ये प्लेन सरफेस था यहाँ, है ना। अब मैंने सरफेस ऐसा बनाया है तो आप ये देखो कि क्या जब तक ये बैटरी लगी हुई है तो करंट तो अभी भी फ्लो कर रहा है, कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, ये तो सबको आइडिया है ही। लेकिन यहाँ से देखो आपकी, यहाँ से करंट एंटर तो कर रहा है लेकिन यहाँ से करंट कहाँ जा रहा है, क्योंकि यहाँ दो प्लेट के बीच में तो गैप होता है, तो फिर गड़बड़ क्या हो रहा है यहाँ। तो यही कंटिन्यूटी लाने के लिए मैक्सवेल ने ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। इसलिए ये जो लॉ हम बोलते हैं एम्पीयर सर्किट लॉ, ये जैसे हम डिस्प्लेसमेंट करंट उसमें इंट्रोड्यूस करेंगे उसको हम बोलते हैं एम्पीयर मैक्सवेल लॉ, ठीक है। तो इसमें वही चीज हम फाइंड कर रहे हैं कि जब यहां से करंट जा रहा है यहाँ इस सरफेस से कोई करंट ही नहीं जा रहा है देखो, लेकिन इसका मतलब तो अगर करंट नहीं जा रहा तो फिर तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड हो नहीं सकता, लेकिन यहाँ तो मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो सिर्फ वो कंटिन्यूटी लाने के लिए ये कॉन्सेप्ट यहाँ इंट्रोड्यूस किया है, कौन सा, डिस्प्लेसमेंट करंट का। तो डिस्प्लेसमेंट करंट की जब भी बात करेंगे हम लोग तो एक्चुअल में जब भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा हम डिस्प्लेसमेंट करंट की बात करेंगे, क्योंकि पहले इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोला जाता था। तो ये जो करंट आ रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए इसको यहाँ डिस्प्लेसमेंट करंट बोल दिया गया है। और ये मैक्सवेल ने इंट्रोड्यूस किया था कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो कैसे देखेंगे फिर हम लोग इसको, ये लिख लो पहले इसकी वैल्यू क्या होगी उसके बारे में बात करने जा रहा हूं मैं। तो हमने एक कॉन्सेप्ट ये भी सीख कर आए हम लोग कि जब टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, तो वाइस वर्सा भी पॉसिबल है कि अगर कोई टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग कैसे करेंगे, फाई इक्वल टू होगा E वेक्टर डॉट A वेक्टर, तो अगर E या अगर प्लेट्स की हम बात करें तो यहाँ प्लस Q चार्ज है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से होगा, ठीक है। यहाँ प्लस क्यू चार्ज है या माइनस क्यू चार्ज है, तो ई और इसका जो एरिया है वो ए ए है,
तो आप इसको फाई ए इक्वल टू ए इंटू ए भी आप कर सकते हो, और ए को क्या लिखते हो आप, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, यानी आ गया क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हमारे पास में फाई ई है, यानी अगर इसको डिफ्रेंशिएट करें तो डी फाई ए बाई डी टी इक्वल टू होगा वन बाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बाई डी टी, यानी डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू यहाँ हो गया एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी टी फाई ई, और यही डिस्प्लेसमेंट करंट है आई डी, यानी जो एम्पियर सर्किटल लॉ है बी वेक्टर डो डी एल वेक्टर फॉर अ क्लोज लूप वो इक्वल टू हो जाएगा दरअसल म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी, यानी म्यू नॉट आई सी कंडक्शन करंट है और यहाँ ये आ जाएगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी, तो ये अपने आप में कंप्लीट एम्पियर सर्किटल लॉ हो गया। लिख लीजिए इसको, अब यहां देखिए आपको ये भी मालूम है कि डी क्यू बाई डी टी क्या है, एक्चुअली ये जो करंट आ रहा था यहाँ जो आई सी आ रहा था वो भी तो डी क्यू बाई डी टी होता है, तो कंटिन्यूटी हो गई ना देखो, क्योंकि यहाँ से इसका मतलब आई सी जा रहा है तो यहाँ से क्या जा रहा है आई डी जा रहा है, तो कंटिन्यूस कंटिन्यूटी दिखा देना इसमें, इसका मतलब वो जो सरफेस मैंने बनाया था उस सरफेस से जो करंट यहाँ क्रॉस करके जा रहा है वो क्या है आई डी है, इस केस में आई डी इक्वल टू क्या है यहाँ आई सी तो है, यहाँ आई सी तो एंटर कर रहा था है ना, तो ये कॉन्सेप्ट था इसके अंदर। तो डिस्प्लेसमेंट करंट उस केस में बात करेंगे जब चार्जेस प्रेजेंट नहीं होंगे है ना, क्या सर वापस बोल रहे हो, displacement current is due to time varying electric field, but conduction current due to चार्जेस, ओके यही बोला था मैंने।
लिख लियो क्या चेंज इन फ्लक्स ईएमएफ होता है क्या कह रहे हैं ईएमएफ होता है ये कहाँ होता है वो बेटा मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ा था यार ये इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं ठीक है नेक्स्ट हमारे पास में मैक्सवेल्स इक्वेशंस मैक्सवेल इक्वेशंस ठीक है तो फॉर जो हमारे पास में फॉर मैक्सवेल्स इक्वेशंस हैं उन फॉर मैक्सवेल इक्वेशंस के थ्रू जो इलेक्ट्रिसिटी और जो मैग्नेटिज्म है इनको मैथमेटिकली हम लोग उन इक्वेशंस के थ्रू समझ सकते हैं ठीक है तो The whole subject of electricity and magnetism may be described mathematically. With the help of four fundamental equations, यानी ये equations कहीं से derive नहीं हुई है अपने आप में ही ये fundamental में मतलब basic equations है सारी है कौन कौन से जैसे Gauss law for electricity तो क्या था हमारे पास में ये E वेक्टर डॉट ds वेक्टर फॉर अ क्लोज सरफेस इक्वल टू चार्ज एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म तो B वेक्टर डॉट ds वेक्टर जो कि क्या होगा जीरो क्यों क्योंकि इसमें क्लोज लूप बनता है मोनोपोलिस में एग्जिस्ट करता ही नहीं है तो टोटल फ्लक्स जो होगा कोई भी क्लोज सरफेस से क्या होगा मिशन जीरो होगा फैराडेज लॉ तो वो था ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर फॉर अ क्लोज लूप इक्वल टू माइनस डी फाइव बी बाई डी टी फिर एम्पियर्स लॉ एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ भी इसको बोलते हैं
एम्पियर मैक्सवेल्स लॉ। तो ये हो गया हमारे पास में बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर फॉर अ क्लोज लूप इक्वल टू म्यू नॉट आई सी प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाय डीटी। लिख लीजिए सर, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए और कोई कंडीशंस है क्या? मतलब कुछ ऐसा बता रहा कि वो चार्ज शुड बी इनसाइड तो ये उसको गिनते हैं, और कौन से कंडीशंस होते हैं गॉस लॉ में? गॉस लॉ में चार्ज एनक्लोज होना चाहिए, गॉसियन सरफेस के अंदर जो भी चार्ज होगा उसके करस्पोंडिंग ही बात करते हैं हम लोग, और चार्जेस स्टेशनरी होना चाहिए और कुछ कट होता है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बोले और कोई नेसेसरी कंडीशन होता है क्या गॉस लॉ लगाने के लिए? वो सब क्या जो भी लिखा है वही होता है बस, थोड़ा गॉस लॉ की स्टेशनरी चार्जेस के लिए लगाते हैं गॉस लॉ, और क्या और सिमेट्रिक सिस्टम हो या नॉन सिमेट्रिक सिस्टम हो सब के लिए अप्लाई कर सकते हैं गॉस लॉ। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड जब फाइंड करना होता है तब हाईली सिमेट्रिक सिस्टम चाहिए होता है ये, और जब भी टोटल क्योंकि क्या है टोटल फ्लक्स ही तो है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, तो जो भी चार्ज उस गॉसियन सरफेस के अंदर होगा उसी की वजह से होगा, बाहर के चार्जेस की वजह से नहीं होगा। और गॉस लॉ जो गॉसियन सरफेस होता है वो कभी भी डिस्क्रीट चार्जेस को कट नहीं करता है। ये सारी कंडीशंस लिखवाइए। इन चारों इक्वेशंस को हम लोग बोलते हैं मैक्सवेल्स इक्वेशंस, ठीक है? कलेक्टिवली इन इक्वेशंस को क्या बोला जाता है? मैक्सवेल इक्वेशंस। अब देखो इनको यूज करता हूं मैं, यहाँ कुछ रिलेशन निकालूंगा, दो रिलेशन निकालूंगा, मतलब मैं कि ई इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में क्या रिलेशन होगा, उनके मैग्नीट्यूड में क्या रिलेशन होगा, और लाइट की जो स्पीड है वो क्या होगी। तो वैक्यूम में हम लोग यहाँ बात करेंगे और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में बात करें, लेकिन ये प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में बात करेंगे हम लोग। तो प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जब भी बात की जाएगी इसका मतलब है कि हम बात कर रहे हैं इसकी पोलराइज्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करते हैं। प्लेन वेव्स की जब भी बात की जाती है तो मतलब ये निकलता है, लिख लिया आप लोगों ने? हाँ सर। अब यहाँ हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात कर रहे हैं तो पहले समझ लेते हैं कि अगर मान लो कोई सोर्स है वहां से वेव्स प्रोड्यूस हो रही है, मान लो यहाँ सोर्स है ये वेव्स प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है? मान लो
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इधर जा रही है और वो इस तरह से मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, वो लिख लिया था आप लोगों ने? नहीं सर, आपका आवाज कट रहा था। क्या लिखवाया था मैंने आपको? मैं वो इक्वेशंस लिखवाए थे ना, वो तो लिख लिया था ना। अच्छा, वो दूसरा पेज पे आ गए थे ना हम लोग, उसके पहले वाले तो लिख लिया था ना आपने? हाँ सर, एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ तक लिख लिया था। तो मैं दरअसल ये बताने जा रहा था, यहाँ तो ये डायरेक्शन में ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशंस हैं इस तरह से। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई वाई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो यहाँ जो बी जेड होगा वो होगा बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस केक्स, यानी यहाँ जो मैं बी लेने जा रहा हूँ, बी होगा दरअसल इस तरह से ऑसिलेट करेगा ये, ठीक है? तो ये अलोंग दी जेड एक्सिस है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है जिसमें इस तरह से ऑसिलेशंस होते हैं, है ना? ये प्लेन वेव्स हैं, प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और जो मैग्नेटिक फील्ड होता है दोनों सेम फेज में होते हैं, है ना? तो यहाँ हम लोग एक रिलेशन निकालेंगे कि ई नॉट और बी नॉट में क्या रिलेशन है,
उसके बाद में अगर वैक्यूम की बात करेंगे तो जो लाइट की स्पीड है वो क्या है, तो ये थ्योरेटिकली मैक्सवेल ने लाइट की स्पीड फाइंड करी तो जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू थी उससे वो मैच कर गई। ये जो इक्वेशन है दरअसल थ्योरेटिकली इक्वेशन है, तो इन्हीं को यूज करेंगे हम लोग और रिलेशन निकालेंगे। मैं तो ऐसा करता हूँ, पहले तो रिलेशन बताता हूँ, बाद में उसका अगर टाइम मिला तो डेरिवेशन बता दूंगा। वैसे तो कोई पूछेगा तो है नहीं, लेकिन बता दूंगा मैं। तो रिलेशन दरअसल ये निकल के आता है E नॉट इक्वल टू सी बी नॉट, ठीक है। और एक बात और याद रखना है इसमें, यहाँ जो K क्या है, प्रोपेगेशन कॉन्स्टेंट है ना, तो प्रोपेगेशन कॉन्स्टेंट अगर है तो यहाँ एक रिलेशन होगा। रिलेशन ये कि E कैप क्रॉस बी कैप और ये इक्वल टू होगा दरअसल के कैप। यहाँ के कैप मतलब कौन सा, वो कैप ये अलोंग द जेड एक्सिस वाला नहीं है, इसका यूनिट वेक्टर है। किसका है, के कैप क्या है, आप चाहो तो इसको के नॉट ले लो, ये यूनिट वेक्टर ऑफ प्रोपेगेशन कांस्टेंट है। या जिस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल कर रही है उसका यूनिट वेक्टर है। आगे बस में तो यूनिट वेक्टर अलोंग डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन, तो ये रिलेशन हमेशा होल्ड होगा, ये ध्यान रखना है। ए कैप क्रॉस बी कैप तो E नॉट कैप हो जाएगा यूनिट वेक्टर अलोंग डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन, ठीक है। अच्छा, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो साइकिल चलेगा इन तीनों का, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो जैसे कि E कैप इक्वल टू B कैप क्रॉस K नॉट कैप, या B कैप इक्वल टू K नॉट कैप क्रॉस E कैप। तो ये क्योंकि ये क्वेश्चन करने में काम आएगा हमारे ये वाला जो रिलेशन है, तो ये सब ये इंडिकेट कर रहा है। जैसे E कैप देखो किधर की तरफ है, अलोंग द Y एक्सिस है, और B कैप किधर है, अलोंग द Z एक्सिस है ना। तो आप देखो Y क्रॉस यानी J क्रॉस K कैप, वाई मतलब J कैप क्रॉस के कैप करो, जे कैप क्रॉस के कैप करो तो क्या मिलेगा आपको, आई कैप मिलेगा ना। तो आई कैप के डायरेक्शन में क्या है, के नॉट कैप है ना। और ई कैप क्या है, यहाँ दरअसल जे कैप है। बी कैप क्या है, यहाँ जेड मतलब के कैप है, ठीक है ना। सुन आगे होगी बात मेरे ख्याल से। लिख लिया,
और एक रिलेशन ये होता है सी इक्वल टू होगा वन बाई रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। रिलेशन पहले भी बताया था, लिख लिया ना। नेक्स्ट है हमारे पास में, हमें मालूम है कि v इक्वल टू क्या होता है, c बाय n होता है ना। तो n क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, और v क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम होगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, यहाँ n है। तो दरअसल इसको हम लोग लिखते हैं वन बाई रूट म्यू एप्सिलॉन या वन बाई इसको लिखेंगे म्यू आर म्यू नॉट, और ये होगा एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट, यानी आ जाएगा एक तरह से सी बाई रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर। इसका मतलब है कि एन की वैल्यू यहाँ होगी रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर। ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मेंस में इससे क्वेश्चंस आते हैं, इन फॉर्मूलों से। आपको जो भी भेजूंगा मैं पीडीएफ, उसमें ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। नॉन मैग्नेटिक मीडियम के लिए जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, नॉन मैग्नेटिक मीडियम, तो उसमें म्यू आर इक्वल टू वन लेना है। तो आपके पास n इक्वल टू हो जाएगा रूट एप्सिलॉन आर, यानी एप्सिलॉन आर इक्वल टू होगा n स्क्वायर, जहां n क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद होनी चाहिए वाले। ठीक, अब मैं आता हूं सीधा डेंसिटी पर, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी और मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी।
नहीं एडवांस में नहीं है। इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी एडवांस का तो आपका कोर्स कब का ही हो गया है, ये तो मेंस में ही आती है इधर उधर की चीजें, और क्या वो पढ़ा रहा हूँ मैं। एडवांस का वो एडवांस का जो पोर्शन इतना ज्यादा है ही नहीं, बहुत कम है। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी मतलब क्या है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये यूई है ना, या हाफ एप्सिलॉन नॉट और ई क्या था हमारे पास में, तो ये हो जाएगा E नॉट का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। और ये क्या है, लेकिन ये इंस्टेंटेनियस है, ये जो लिखा मैंने क्या लिखा, इंस्टेंटेनियस है ना, ये क्या है इंस्टेंटेनियस, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी। उसी तरह मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, तो ये यू एम इक्वल टू बी स्क्वायर बाई टू म्यू नॉट, तो ये हो जाएगा हमारे पास में बी नॉट का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स बाई टू म्यू नॉट। ये भी क्या इंस्टेंटेनियस एनर्जी डेंसिटी है, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी है, ठीक है ये लिख लो पहले। यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी मतलब मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। तो यहां देखिए मैं इन दोनों को इक्वल, देखो दोनों इक्वल हैं, कैसे इक्वल है बताता हूं मैं आपको। हमें ये मालूम है सिंस ई नॉट इक्वल टू क्या है सी बी नॉट है, ठीक है नहीं, तो रखो यहां, तो यू एम इक्वल टू हो जाएगा बी बी नॉट की जगह क्या लिखोगे आप, ये लिखोगे E नॉट का होल स्क्वायर बाई C स्क्वायर और ये वन बाई टू म्यू नॉट और ये हो गया साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब यहां देखो C स्क्वायर इक्वल टू क्या है, वन बाई म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट है, तो यू एम इक्वल टू क्या हो गया यहाँ, तो ये आ जाएगा देखो क्या आ रहा है म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ए नॉट का होल स्क्वायर बाई टू म्यू नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो ये म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल आउट हो गया, तो आप देखो वो इक्वेशन पहली वाली इक्वेशन, ये इक्वेशन और इक्वेशन सेम तो आ रही है। तो ये ध्यान रखना है कि दोनों की जो एनर्जी डेंसिटी होती है वो सेम होती है, यानी दोनों की एनर्जी इक्वल एनर्जी होती है, यानी जो टोटल एनर्जी होगी वो दोनों में हाफ ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। लिख लो इसको, ये
लिख लिया? हाँ सर। ठीक है, तो एवरेज भी हम लोग निकाल सकते हैं इनका। तो एवरेज इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी, एवरेज की बात करेंगे तो एक साइकिल की बात करेंगे हम लोग। तो हमारे पास ये हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट E नॉट का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स डी टी और जीरो से टू पाई बाई ओमेगा डिवाइड बाई जीरो से टू पाई बाई ओमेगा डी टी। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू मिलेगी हाफ एप्सिलॉन नॉट E नॉट का होल स्क्वायर है तो कांस्टेंट है, बाकी की जो वैल्यू है ना वो दरअसल आपको हाफ मिल जाएगी। कौन सी? ये वैल्यू मिला के और ये मिला के आपको ये वैल्यू हाफ मिल जाएगी। यानी ये वैल्यू कितनी आ गई? 1/4 एप्सिलॉन नॉट E नॉट का होल स्क्वायर। उसी तरह मैग्नेटिक एवरेज मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी क्या मिल जाएगी? 1/4 बी नॉट का होल स्क्वायर बाई म्यू नॉट। तो टोटल एवरेज की हम बात करेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास में यू एवरेज होगा वो इसका एवरेज वैल्यू प्लस इसका एवरेज वैल्यू। तो ये मिलेगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट E नॉट का होल स्क्वायर प्लस 1/4 बी नॉट का होल स्क्वायर बाई E नॉट का होल स्क्वायर बाई म्यू नॉट, ये मिलेगा अपने को। लिख लिया? अच्छा, आप देखोगे कि दोनों इक्वली हैं। आप इसको सिंपलीफाई करोगे तो हमें मालूम है कि E नॉट इक्वल टू CB नॉट है और C स्क्वायर इक्वल टू 1/μ नॉट एप्सिलॉन नॉट है। तो जो एवरेज डेंसिटी है वो मिल जाएगी आपको हाफ एप्सिलॉन नॉट
ए नॉट का होल स्क्वायर या बी नॉट का होल स्क्वायर बाई टू म्यू नॉट, है ना, इस इन इक्वेशंस के थ्रू। वैसे तो मैं पहले प्रूव कर चुका हूँ इस बात को, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में। ठीक है, तो मान लो कि ये लाइट बीम है और इसमें लाइट जा रही है, इसकी इंटेंसिटी अगर आई है, इसका एरिया क्रॉस सेक्शन अगर एस है, तो अगर मान लो यहाँ से लाइट वैक्यूम में जा रही तो सी डेल्टा टी मान लो डिस्टेंस ट्रेवल करती है, तो इसमें टोटल कितनी एनर्जी स्टोर होगी वो बता सकता हूँ मैं कैसे, इसको मल्टीप्लाई करो वॉल्यूम से, तो सी डेल्टा टी इंटू एस, ये इसकी क्या हो गई, टोटल एनर्जी हो गई, यानी इसको आप ये ले सकते हो यू, कितना आ गया हमारे पास में ये हाफ एप्सिलॉन नॉट ए नॉट का होल स्क्वायर सी डेल्टा टी इंटू एस, ठीक है। और अगर मैं यहाँ यू डिवाइडेड बाय ये एनर्जी है डिवाइड बाय एस डेल्टा टी करूं तो ये क्या आ रही है, देखो ये टोटल एनर्जी है यू और एस क्या है एरिया और डेल्टा टी क्या है टाइम है, यानी एनर्जी पर सेकंड पर यूनिट एरिया, ये क्या हो गया, ये एवरेज इंटेंसिटी आ गई ना, एवरेज इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, यानी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का होल स्क्वायर इनटू सी, या ये भी हो सकता है बी नॉट का होल स्क्वायर बाय टू म्यू नॉट इनटू सी। तो ये क्या हो गया, एवरेज इंटेंसिटी आ गई। तो ये आपका टॉपिक हो गया मालूम है। जैसे कुछ क्वेश्चन है वो करवा देता हूँ मैं आपके से डेढ़। लिख लिया? हाँ सर। अब जैसे क्वेश्चन है दी इलेक्ट्रिक फील्ड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव is given by
इक्वल टू दे 50 न्यूटन पर कूलाम साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाई सी. फाइंड दी एनर्जी कंटेंड इन अ सिलेंडर ऑफ क्रॉस सेक्शन 10 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड लेंथ 50 सेंटीमीटर अलोंग द एक्स एक्सिस. ठीक है, तो हमें मालूम है कि एवरेज जो एनर्जी डेंसिटी वो क्या है हमारे पास में, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का होल स्क्वायर. ये अगर इसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास में एनर्जी आ गई. तो ई नॉट यानी क्या क्या दिया आपने को देखो, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी, 8.85 इंटू 10^-12 इंटू ई नॉट 50 का होल स्क्वायर इंटू वॉल्यूम. तो वॉल्यूम आ गया हमारे पास में 50 इंटू 10^-2 इंटू 10^-4. सॉल्व कर लो, सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपको मिल रही है 5.5 इंटू 10^, यानी टोटल एनर्जी यू हो गई है. तो यू हो गई है हमारे पास में 12 जूल, 5.5 इंटू 10^-12 जूल. ये आंसर है, ऐसे लिख लीजिए. अच्छा एक और इसमें ऐड कर सकते हैं हम लोग, ऑल्सो फाइंड इंटेंसिटी. यानी एवरेज इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं हम लोग. ठीक है, लिख लो इसको पहले. Thank you.
लिख लिया। तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी इसकी, देखो आई इक्वल टू हमारे पास में हाफ एप्सिलॉन नॉट ए नॉट का होल स्क्वायर इनटू सी, तो जाएगा हाफ इनटू 8.85 इनटू 10 टू पावर माइनस 12 इनटू 50 का होल स्क्वायर इनटू 3 इनटू 10 टू पावर 8। सॉल्व करेंगे तो वैल्यू मिलेगी 3.3 वॉट पर वॉट पर मीटर स्क्वायर। ये आ जाएगी इंटेंसिटी। अच्छा एक चीज और याद रखना है, ई आर एम एस वैल्यू यहां मिलेगी अपने को ई नॉट बाई रूट टू, ये आपको मैंने एसी में निकाल के दिखाया था, और बी आर एम एस इक्वल टू होगा बी नॉट बाई रूट टू। कैसे बताया था ये, ई स्क्वायर डी टी जीरो से टू पाई बाई ओमेगा बाई जीरो से टू पाई बाई ओमेगा डी टी का स्क्वायर रूट, ये आपको मिलेगा ई आर एम एस, जहाँ ई क्या है, ई है ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस एक्स। नेक्स्ट है अ लाइट बीम ट्रेवलिंग इन द एक्स डायरेक्शन in the x direction is described by the electric field EY equal to 300 volts per meter साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाई सी, एंड इलेक्ट्रॉन इज कंस्ट्रेंड टू मूव
along the y direction, with a speed 2 × 10⁷ meter per second, find the maximum electric force and maximum magnetic force on the electron. ठीक है, तो आप यहां से देखो आपको E नोट क्या मिल गया, इसका सॉल्यूशन पे जाएंगे। E नोट की वैल्यू हमारे पास में 300 वोल्ट पर मीटर है, तो यहां से अपने को क्या मिल जाएगा, तो C B नोट यानी B नोट मिल गया। B नोट मिल गया तो आप यहां देखो पहले तो कि ये EY दिया है, इसका मतलब है कि वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, अलोंग द एक्स एक्सिस वेव ट्रेवल कर रही है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है ना। और ये कहाँ है पार्टिकल, एंड इलेक्ट्रॉन इज कंसिस्टेंट टू मूव अलोंग द वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इस पर फोर्स, तो पहले इलेक्ट्रिक फोर्स निकालेंगे, तो इलेक्ट्रिक फोर्स तो क्या हो जाएगा सीधा सीधा इस पर एफ ए इक्वल टू ई ई नॉट, ये मैक्सिमम होगा है ना, ये तो ये फोर्स आ गया। तो ये वैल्यू तो कितनी आ जाएगी हमारे पास में, ये वैल्यू आ जाएगी 4.8 × 10⁻¹⁷ न्यूटन आ जाएगा। ये तो मैग्नेटिक फोर्स की बात करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ए वी जे कैप क्रॉस बी नॉट के कैप, तुम्हारे पास में ये अपने को तो मैक्सिमम चाहिए तो मैग्नेटिक फोर्स भी आ गया, इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। तो दोनों आप परपेंडिकुलर, तो क्या मिलेगा जे क्रॉस के कैप मिलेगा, क्या मिलेगा आई कैप, यानी हो जाएगा ई वी बी नॉट। आपको ई भी दिया हुआ है, वी भी दिया है, बी नॉट भी दिया है, बी नॉट यहाँ से निकालेंगे आप, ठीक है। तो वैल्यू जब आप रखोगे तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास में 3.2 × 10⁻¹⁸ न्यूटन, ये आ गया मैग्नेटिक फोर्स जो कि मैक्सिमम है। बात क्लियर है भाई? हाँ सर। कैसे करेंगे? और क्वेश्चन करते हैं फिर, अभी स्टोक्स थ्योरम के बारे में बताऊंगा मैं आपको, उसको कैसे अप्लाई करना है, क्योंकि एक क्वेश्चन आया था और वो रिपीट भी हुआ है, वो बिना स्टोक्स थ्योरम के होगा ही नहीं, तो कैसे करना है वो मैं आपको उस क्वेश्चन को ही लेके बताऊंगा। क्योंकि अगर ट्रेवलिंग वेव है तब कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दिक्कत आती है जब स्टेशनरी वेव बनती है ना। तो ट्रेवलिंग वेव में तो जैसा आपको जैसे इसमें दिख रहा है, ये जैसे E by equal to 300 वोल्ट पर मीटर साइन ओमेगा t minus x by c है ना, या इसकी जगह BZ equal to जाएगा B not sin omega t minus x by c, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, as it is वैसा का वैसा हो जाएगा। लेकिन जब स्टेशनरी वेव होती है तब ऐसा नहीं होता है, तब क्या होगा बताएंगे। तो स्टोक्स थ्योरम जो है वो यही है कि इलेक्ट्रिक मतलब एक तरह से मैग्नेटिक फील्ड को कन्वर्ट करना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, और इलेक्ट्रिक फील्ड को कन्वर्ट करना होता है मैग्नेटिक फील्ड में, इसके लिए वो थ्योरम है। लिख लिया है? जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, अब find the
amplitude of the electric field in a parallel beam. Find the amplitude of the electric field in a parallel beam of light of intensity W/m². तो हमें क्या चाहिए, एम्पलीट्यूड चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड का. तो हमें मालूम है सिंस आई इक्वल टू क्या होता है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ए नॉट का होल स्क्वायर इनटू सी. तो हमें क्या चाहिए, ए नॉट चाहिए. तो ए नॉट इक्वल टू क्या हो गया, 2i/ε0c का स्क्वायर रूट. तुम्हारे पास आ गया 2 × 2 / 8.85 × 10⁻²³ × 3 × 10⁸. और इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो आप देखो कि ये वैल्यू निकल के आती है 38.8 newton/coulomb. यही आंसर है. मैं भी आपको इसका ये पीडीएफ भेज रहा हूँ. तो इसमें क्वेश्चन है, देखो एक क्वेश्चन करवाता हूँ मैं पहले. ये रहा देखो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए. इसमें दिया है द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय करस्पोंडिंग मैग्नेटिक फील्ड. अपने को बताना है, ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है. तो हाँ डेट कितना है, डेट तो क्वेश्चन नंबर 15 है देखो हमारे पास में. तो स्टोक थ्योरम ये है, ग्रेडियंट क्रॉस ई वेक्टर इक्वल टू माइनस डेल बी वेक्टर बाय डेल टी. ये थ्योरम है, इसको मैं यूज करूंगा. तो हमारे पास में E वेक्टर इक्वल टू दिया इसने E नॉट आई कैप कॉस के जेड कॉस ओमेगा टी. ठीक है, हमें बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा इसमें. तो डेल इसको क्या लिखते हैं हम लोग, डेल बाय डेल एक्स आई कैप
प्लस डेल बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाई डेल जेड के कैप क्रॉस ई वेक्टर। ई वेक्टर क्या है यहाँ, ई नॉट आई कैप कॉस के जेड कॉस ओमेगा टी इक्वल टू माइनस डेल बी वेक्टर बाई डेल टी। अब यहां ध्यान से देखो, आई क्रॉस आई जीरो हो जाएगा, है ना, फिर जे क्रॉस के साथ जे क्रॉस आई, लेकिन आप देख रहे हो कि टाइम और यहाँ जेड है, वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा तो वो भी जीरो हो गया। टाइम का भी करोगे पार्शियल डिफरेंशिएशन जीरो, क्योंकि वाई के रेस्पेक्ट में जेड एक वाई सिर्फ वाई वेरिएबल है और एक्स जेड और टी ये कॉन्स्टेंट है। उसके बाद जेड वाले पे जाओ तो के क्रॉस आई कैप तुम्हारे पास आ जाएगा यहाँ ई नॉट के क्रॉस आई कैप क्या होगा, जे कैप होता है, तो ये आ जाएगा जे कैप, है ना, और ये हो जाएगा डेल बाई डेल जेड कॉस के जेड, ये साथ में होगा और कॉस ओमेगा टी ये तो कॉन्स्टेंट है, इसके लिए इसको बाहर निकाल लेंगे, तो माइनस डेल बी वेक्टर बाई डेल टी, तो कितना हो जाएगा, एक तुम्हारे पास आ जाएगा माइनस, है ना, तो माइनस कैसे, क्योंकि कॉस का करेंगे ना, तो ई नॉट के जे कैप साइन के जेड कॉस ओमेगा टी इक्वल टू माइनस डेल बी वेक्टर बाई डेल टी, ये लिख लो पहले। लिख लिया, हाँ सर। तो अब यहाँ क्या करेंगे, इसको इंडिकेट करेंगे, तो आप देखो पहले ये तो प्लस हो जाएगा, है ना, तो अच्छा आपको याद होगा मैंने आपको ये पढ़ाया था कि ऐसे में एक बात बताई थी, जब हमने वहां इंडिकेट किया था तो मैंने वहां एक कांस्टेंट टर्म भी आ रही थी, तो मैंने कहा था कि ये जीरो के अबाउट ऑसिलेट कर रहा है इसलिए कांस्टेंट टर्म जीरो होना चाहिए। यहाँ भी ऐसा ही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऑसिलेट कर रहा है, तो जीरो के अबाउट ऑसिलेट कर रहा है इसलिए क्या होगा, यहाँ भी कॉन्स्टेंट टर्म को जीरो मानना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास में, इंडिकेट करेंगे तो ये हो जाएगा डेल बी वेक्टर इक्वल टू ई नॉट के जे कैप साइन के जेड, ये तो सब कॉन्स्टेंट है, और ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी डेल टी, यानी इसी के रेस्पेक्ट में इंडिकेट करेंगे इसको, तो हमारे पास मिलेगा बी वेक्टर, कॉन्स्टेंट टर्म को जीरो मानना है, तो बी वेक्टर इक्वल टू ये हो जाएगा ई नॉट के साइन के जेड, और ये हो गया जे कैप, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन ओमेगा टी बाई ओमेगा, और आपको मालूम होगा कि ओमेगा बाई के इक्वल टू क्या होगा यहाँ सी, यानी स्पीड ऑफ लाइट होगी, ठीक है, ये मालूम है ना, साउंड वेव वेव ऑन स्ट्रिंग में भी पढ़ा था हम लोगों ने सब। तो आप यहाँ देखो ये आ गया हमारे पास में ओमेगा बाई के, यानी अल्टीमेटली कितना आ गया, तो बी वेक्टर इक्वल टू आ गया ए नॉट बाई सी जे कैप साइन के जेड साइन ओमेगा टी, ये आंसर आना चाहिए, यानी इसमें कौन सा मैच कर गया साइन में,
फर्स्ट वाला है मैच कर गया, वही आंसर है। आगे बात समझ में, तो इस तरह से करना है। अच्छा एक एक और इक्वेशन होती है, इसका भी ध्यान रखना है वेव की, ये भी एक इक्वेशन होती है। वैसे तो ये बताई जाती है, इक्वेशन पढ़ाया जाता है तब, कि E वेक्टर इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी माइनस K वेक्टर डॉट R वेक्टर, B वेक्टर इक्वल टू B नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के वेक्टर डॉट आर वेक्टर। अब ये साइन की जगह कोस भी हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये इक्वेशन होती है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो कुछ नहीं है कर लेंगे। के क्या है, प्रोपेगेशन कांस्टेंट है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो यहाँ k वेक्टर डॉट r वेक्टर होगा दरअसल k x i कैप, k y j कैप, k z k कैप डॉट x i कैप y j कैप z k कैप, यानी आ जाएगा k x x प्लस k y y प्लस k z Z। तो ये इस तरह से करेंगे, जैसे इसमें भी आए हुए क्वेश्चन से, जैसे बताता हूँ मैं कौन सा क्वेश्चन था। तो जितने भी क्वेश्चन जो भेजे हैं ना, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, अब इतना सा ही था, बस ये क्वेश्चन करेंगे तब आपको आइडिया लगेगा, लेकिन इतना ही है पोर्शन में। इसे इतने क्वेश्चन आए भी हुए, उसी जो पढ़ाया आपको भी मैंने, उसी पे क्वेश्चन आए हुए बस। हाँ थोड़ा सा इधर उधर क्वेश्चन हो सकता है, तो थोड़ा सोचना पड़ेगा बस, ये कॉन्सेप्ट इतना ही है, लेकिन इसके बाहर एक नहीं आने वाला। अब जैसे क्वेश्चन बताता हूँ आपको, जैसे क्वेश्चन नंबर 23 है ना, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, बच्चों ने पहली बार देखा तो उसको लगा कि क्या पूछ लिया है, पूछा कुछ नहीं, जो पढ़ा था उसी में से पूछा है। अभी जैसे अभी आपको पढ़ाया उसी में से मैं करके दिखाता हूँ, देखो कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 23, जैसे एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ इंटेंसिटी अपने को दिया हुआ है, आई इक्वल टू 50 वॉट पर मीटर स्क्वायर एंटर्स इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, यानी ये हमारे पास में मीडियम है जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स एन है, इधर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1 है। Enters in a medium of refractive index and without any loss, ये कहा है without any loss, इसका मतलब ये एनर्जी यहाँ से एंटर कर रही है तो कोई लॉस नहीं हो रहा है, मतलब ये हुआ कि इंटेंसिटी क्या होगी यहाँ, हाफ एप्सिलॉन नॉट ए नॉट का होल स्क्वायर इन टू सी, और ये इक्वल टू हो जाएगा दरअसल हाफ एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये उस मीडियम का एम्पलीट्यूड है ई, इनटू वी लिखूंगा ना मैं यहाँ, उस मीडियम में तो स्पीड चेंज कर जाएगी इसकी, बस ये करना है कॉन्सेप्ट में इसमें। तो द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड्स बताना है, तो मतलब ये क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है बिफोर एंड आफ्टर, यानी ये पूछ रहा है दरअसल यहाँ ए नॉट बाई ई क्या होगा, और पूछ रहा है बी नॉट बाई बी
क्या होगा, है ना, यही पूछ रहा है वो। तो कुछ नहीं, कर लें, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें यह भी मालूम है कि ए नॉट इक्वल टू सी बी नॉट होगा, तो ए इक्वल टू क्या लिखेंगे फिर हम, बी इंटू बी लिखेंगे। ये रिलेशन हमें मालूम है, ये रिलेशन तो याद रखना ही है, ठीक है। तो ये इक्वेशन हम लोग यहाँ यूज करेंगे, चलो करते हैं। देखो तो पहले ये वाली बात ये कर लेते हैं हम लोग। तो हमें ये भी मालूम है कि v इक्वल टू क्या होता है, c बाय n होता है, इसको यूज करूंगा मैं यहाँ। और एप्सिलॉन r क्या होता है, ये बात हो गई हमारी, ये n स्क्वायर होता है दरअसल, याद हो तो आपको, क्योंकि नॉन मैग्नेटिक मीडियम माना जाएगा, है ना, ठीक है, कुछ बोलता नहीं मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक मीडियम के बारे में, इसके बारे में, तो नॉन मैग्नेटिक माना जाएगा, यानी म्यू आर को वन मानना है आपको। पहले यही बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, तो इसी फॉर्मूले से यूज करके करेंगे। तो एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट गया, हाफ से हाफ कट गया, तुम्हारे पास आ गया ये e नॉट का होल स्क्वायर इंटू सी इक्वल टू एप्सिलॉन आर e स्क्वायर, और v को क्या लिखेंगे, c बाई n। तो हमारे पास आ गया e नॉट का होल स्क्वायर, एप्सिलॉन आर कितना है, n स्क्वायर, e स्क्वायर, तो c तो कैंसिल आउट हो गया बाई n, तो हमारे पास ये कितना आ गया, e नॉट बाई e का होल स्क्वायर इक्वल टू n, यानी e नॉट बाई e इक्वल टू रूट n। ये आ गया भाई, क्या आ गया, रूट n आ गया। अब रूट एन आ गया, तो यहाँ से देखो ई नॉट को रखो, तो सी बी नॉट बाई ई को लिखो वी बी इक्वल टू रूट एन, तो सी बी नॉट बाई वी, वी को क्या लिखोगे, सी बाई एन इंटू बी इक्वल टू रूट एन, यानी बी नॉट बाई बी इक्वल टू आ गया रूट एन बाई एन, यानी वन बाई रूट एन, यानी आंसर हो गया हमारे पास में ऑप्शन नंबर थ्री। देखो क्वेश्चन नंबर 23 का सी, 23 का सी ऑप्शन है हमारे पास में। बात समझ में आ गई, ऐसे करना है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बच्चों को लगता है कि कुछ उठपटांग पूछ ले, नहीं उठपटांग तो क्यों पूछेंगे, तो इतना ही है, इतने में से क्वेश्चन बनाएगा वो। बस एक ही फॉर्मूले आपको ये याद होने चाहिए, क्वेश्चन आना पक्का, लेकिन ये तो 100% है, क्वेश्चन तो आना ही आना है, ठीक है। तो बस आज इतना ही करेंगे, कर लो आप ये, कल मैं डिस्कस करूंगा। अब आप मुझे बता दो कल क्या डिस्कस करना चाहेंगे आप। मैं तो चाहूंगा कि मैंने आपको एक पीडीएफ भेजा है, पहले वो डिस्कस कर लें, कौन सा एरर वाला कर लोगे कल तक, है ना, कर लो। और इसका भी कर लो, इसमें ये भी हो जाए तो ये भी डिस्कस कर लूंगा मैं, जो कि ज्यादा टाइम लगता नहीं इसमें। अच्छा वे वाला ही बचा है ना, वो करवा दूंगा मैं, वो तो करवाना तो सारे ही हैं, पर ये अटेम्प्ट में तो ज्यादा कुछ हो नहीं पाएगा, है ना, लेकिन मार्च अटेम्प्ट के लिए काफी कुछ करवा देंगे आपको, मार्च अप्रैल मई उसके लिए। चलिए फिर, ओके बाय बाय।